नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान का सवाल है, क्या नेताओं का चरित्र इस कदर गिर चुका है कि वो महिलाओं को सत्ता के लिए केवल इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि चिराग पासवान ने पार्टी हाथ से निकलते देखा तो अपने भाई प्रिंस पर आरोप लगाने के लिए एक महिला का नाम सार्वजनिक कर दिया, उसको बदनाम किया। और जब वो महिला जी हिंदुस्तान के मंच पर आकर जब उससे सवाल पूछ रही थी, इंसाफ मांग रही थी, तो वो सवालों से कन्नी काटते नजर आए। चिराग, क्या आप इसी तरह का चरित्र रखते हैं? इतना ही नहीं, प्रिंस पासवान जिनके ऊपर आरोप लगे वो तो जवाब देने की जगह नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पटना रवाना हो चुके हैं। चाचा पारस पासवान पार्टी के मुखिया तो बन गए, लेकिन परिवार पर जब आरोप लगे तो मुखिया का किरदार निभाते नजर नहीं आए। स्वाति जी हिंदुस्तान के मंच से लगातार सवाल उठाती रही, इंसाफ मांगती रही, लेकिन उसका जवाब तक किसी ने देना उचित नहीं समझा। आज सवाल यही, क्या स्वाति के सवालों से डर गए हैं चिराग, प्रिंस और पारस पासवान? देश को जवाब दीजिए, सियासी लड़ाई में स्वाति का नाम चिराग ने क्यों उछाला? क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? चिराग ने स्वाति की आवाज क्यों दबाने की कोशिश की? क्या पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनके ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी? स्वाति के साथ यौन शोषण हुआ तो चिराग ने इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? क्या उनकी ये मौलिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या पार्टी पर कब्जे के लिए चिराग ने स्वाति को सिर्फ मोहरा बनाया? क्योंकि सब कुछ बिगड़ रहा था तो किसी भी तरह से बचने के लिए आपने किसी का नाम पब्लिक कर दिया। स्वाति के आरोपों पर प्रिंस की चुप्पी क्यों और कब तक? सवाल बहुत सारे हैं, मेहमानों से मिलवाऊंगी। और तमाम वो लोग जो महिला अधिकारों की बातचीत करते हैं, जो महिला अधिकारों के बारे में अपनी बात रखते हैं, जरा आज वो सामने आए। वो लोग जो पार्टीज में अपनी, अपने अध्यक्ष की और अपने आसपास के लोगों की वकालत करते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? वो समर्थक जो इन नेताओं के लिए नारे लगाते हैं, आज वो चुप क्यों हैं? क्यों उनके पास जवाब नहीं है? जब एक महिला अपने हक की बात करना चाहती है तो आज जवाब क्यों नहीं है? प्रिंस पासवान हो या चिराग पासवान, दोनों में युवा नेता के तौर पर लोग अपना नेतृत्व देखते हैं, अपने समाज की दिशा को ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहां है आज वो लोग? क्यों जवाब नहीं है उनके पास? क्या वही परिपाटी चलाएंगे जो अब तक इस राजनीति को बदनाम करने के लिए लोग करते आए? आपने अब तक स्वाति के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, देश पूछेगा आपसे। सवाल बहुत सारे हैं, रिपोर्ट दिखाऊंगी, उसके बाद खुद स्वाति मेरे साथ यहां होंगी, और जवाब मांगूंगी पार्टी के जितने लोग यहां होंगे सबसे। पहले रिपोर्ट देखिए। ट्रस्ट तोड़ा एक भैया जो मैं बोले थे, भैया जो बंदा अपने बाप के माने पे ही हूं करके जो वीडियो बना सकता है वो बंदा क्या नहीं कर सकता, इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं। 6 फरवरी 2021 को स्वाति पटेल को बंद कमरे में शट अप बोलने वाले चिराग से जब स्वाति ने आज जी हिंदुस्तान के मंच पर सवाल पूछा तो वो खुद शट अप हो गए, सवालों से कन्नी काटते नजर आए। पारस जी को बताते कि ये इंसिडेंट है, उसके बाद आप प्रिंस को सलाह देते कि वो थाने में जाए, वो कंप्लेन करे। 3 फरवरी को मैंने पार्टी चेंज की, 15 फरवरी को मेरी आपसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी। वो शिकायत मेरी पार्टी के एक सांसद के बारे में थी, मैंने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी, पर हाँ समझ में आया कि ये मैटर लीगल विषय से जुड़ा हुआ है, इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर सकती है, इसमें मेरी कहीं से कोई भूमिका नहीं। स्वाति ने आरोप लगाया कि आपने डराने धमकाने की कोशिश की,
मैंने तो खुद मैंने उनको पुलिस के पास जाने की मैंने बात की, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा। पार्टी की अध्यक्षता के लिए पारिवारिक नुरा कुश्ती के बीच एक महिला का नाम उजागर करना और फिर उसके सवालों से पल्ला झाड़ लेना, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ ना करना, क्या इसी चरित्र के साथ चिराग, प्रिंस और उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी पर कब्जा चाहते हैं? जवाब किसी के पास नहीं है, तभी तो चाचा पासवान और आरोपी नेता प्रिंस अपनी विरासत संभालने पटना पहुंच चुके हैं और चिराग विरासत दोबारा पाने के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन स्वाति का नाम किसी की जुबान पर नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर होंगी। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी। स्वाति पटेल एक लड़की है, उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं प्रिंस पासवान पर। तो आप चिराग पासवान जी से पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? हम लोग उम्र दराज आदमी, प्रिंस का नाम है सर उसमें, नहीं जानता हूँ क्या है नहीं है। मेरा काम है पार्टी को और परिवार का जोड़ने का, मेरा काम तोड़ने का नहीं है। इधर चिराग पासवान जी समझना चाहिए कि चलो बहुत दिन मेरे चाचा मेरे अंदर रहे हैं, कुछ दिन चाचा के अंदर हम भी रह के खेले। चिराग पासवान जी का पार्टी है। राजनीतिक गलियारों में स्वाति के सवालों का शोर गूंजने लगा है, कोई उसके साथ खड़ा है, कोई इसे सियासत बता रहा है। सवाल ये कि आखिर स्वाति के साथ गलत हुआ ये जानते हुए उसके साथ चिराग क्यों नहीं खड़े हुए? आज जब स्वाति इंसाफ मांग रही है तो चिराग, प्रिंस और पशुपति पारस ने चुप्पी क्यों साध रखी है? इंसाफ के सवाल पर चाचा भतीजा जवाब दो। सवाल इंसाफ से जुड़ा है, एक महिला के हक से जुड़ा है। अब खुद सोचिए, मैं एक महिला हूं और मेरे तमाम दर्शक जो मुझे देख रहे हैं वो इस तरह की खबरों को जब सुनते हैं तो हर चीज को समझते हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? राजनीतिक पार्टियां किसके लिए होती हैं? इस देश को सही दिशा दिखाने के लिए, सही रास्ते पर एक नेतृत्व बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने पीछे लोगों को आगे बढ़ा सकें। आप महिला के हक की बात नहीं कर सकते, आप एक प्रदेश के लोगों के हक की बात कहां तक करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं मेरे मन में, सवाल पूछूंगी, खुद स्वाति मेरे साथ जुड़ेगी, लेकिन पहले मेहमानों से मिलवा देती हूं। सुरभि ठाकुर मेरे साथ एलजेपी से जुड़ी हुई है। सुरभि जी नमस्ते। ममता काले अब से कुछ देर में राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ रही हैं। सारिका पासवान प्रवक्ता हैं, आरजेडी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सारिका जी बहुत बहुत नमस्ते। बरखा त्रेहन जुड़ी हुई है, प्रिंस की समर्थक है, और डॉक्टर श्वेता आर्य प्रवक्ता है, जेडीयू से मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ इस डिबेट में, ये डिबेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज ये खबर सामने आ गई, ये तब तक चलेगा, मैं फिर विश्वास दिलाती हूं। जी हिंदुस्तान की मुहिम है, अब तब तक चलेगा जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक सच सामने नहीं आ जाता। मैं इस वक्त स्वाति को इनवाइट कर रही हूं मेरे साथ स्टूडियो में। स्वाति प्लीज आप यहां पर आइए, मैं चाहती हूं कि आपकी सच्चाई आप खुद इन लोगों को बताएं और इन लोगों को यह समझ आना चाहिए कि जब एक महिला इस तरीके के बात को रखती है तो उसमें हिम्मत कहां से आई, उसमें कितनी हिम्मत है जब वो यहां सामने आ चुकी है। लेकिन अभी तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सुरभि ठाकुर है मेरे साथ एलजेपी से। सुरभि जी जवाब दे पाएंगी, आप जवाब दे पाएंगी? चिराग पासवान, मैं उनमें एक युवा नेता देखती हूं, भविष्य देखती हूं, पटना से लेकर प्रदेश से निकलकर वो देश की बातें करते हैं, अपनी पार्टी की महिला को हक नहीं दिला पाए, अपनी महिला, अपनी पार्टी की महिला के हक की बात नहीं कर पाए, कैसे समझा पाएंगे आप मुझे? तो मीडिया ट्रायल का प्रचलन है, इसकी मैं समर्थक नहीं हूं, इसलिए मैं पहले ही आपके जो आरोप है उनका खंडन कर देती हूं। क्योंकि अभी तक मैडम लोग जो बात, मैडम बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये मेरे आरोप नहीं है, ये मेरे आरोप नहीं है। सुरभि ठाकुर आप ध्यान से सोच समझ कर मेरे से बात कीजिएगा, आपके शब्द एक एक सोच समझ कर मेरे सामने रखिएगा, क्योंकि ये मेरे आरोप नहीं है, ये मेरे साथ बैठी स्वाति जी का आरोप है कि मैं उनकी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं। सुरभि ठाकुर, स्वाति जी आप सुरभि को जानती हैं? मैं नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानती थी, अभी न्यूज में ही इनसे इंटरेक्शन वगैरह हुआ, तो इनका, इनकी जो जो ये चीजें बोल रही है एक अलग दिशा में,
ये बोलिए आप चिराग पासवान को आप ब्लेम कर रही है, ब्लेम कर रही है। मेरा तब भी मेरा यही कहना है कि चिराग पासवान ने मेरा नाम यूज किया, मेरा नाम को उन्होंने मीडिया में आके ये बोला, इंटेंशन नहीं था मेरा, बट मैं तो पब्लिश हो चुकी हूँ ना, मेरा तो कैरियर खत्म हो चुका है ना, मेरी लाइफ के साथ तो खेल चुके ना, मुझे तो घसीट दिया गया है। हर हाल में सामने आनी चाहिए और मैं यही कहने यहाँ पर बैठी हूँ कि जिस तरह से चिराग जी ने अपनी भूमिका निभाई, जब उन्होंने क्या भूमिका निभाई, क्या भूमिका निभाई सुरभि ठाकुर, क्या भूमिका निभाई, भूमिका निभानी होती तो उस दिन जब इनसे मुलाकात की उस दिन अपने भाई को तमाचा मारते और पूछते कि मेरे पार्टी की महिला के साथ अगर गलत हुआ है तो मैं खड़ा हुआ उनके साथ, क्या ये भूमिका निभाएगी जो मेरा नाम एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम लिख के पब्लिश कर दे, क्या ये भूमिका निभाई, क्या भूमिका निभाई है, क्या भूमिका निभाई? जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी क्लियरली, सेटअप स्वाति, सेटअप स्वाति वहां पे गाली बकरा है, कुछ नहीं बोल रहे, क्या भूमिका निभाई, क्या यही है महिलाओं का सम्मान? अब इससे बड़ा क्वेश्चन क्या चाहती है आप? सुरभि ठाकुर, सुरभि ठाकुर, यू हैव 30 seconds, 30 seconds में समझाइए मुझे यहाँ पर कि इस वक्त उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए थी और आपके मुताबिक, आपके मुताबिक चिराग पासवान ने कैसे अपनी भूमिका निभाई? सुरभि ठाकुर को लाइए सामने, टीवी स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ, 30 seconds, पूरी बात रखिए, पूरी बात रखिए मैडम, पूरी बात रखिए, अगर आप मेरी बात को सुन ले सहजता से 2 मिनट, तो मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने आज कहा कि जितना मजबूत प्रिंस का पक्ष उनको लगा उतना ही मजबूत स्वाति जी का पक्ष भी लगा, तो यहाँ पर उनकी भूमिका खत्म होती है, यहाँ पर भूमिका शुरू होती है कानूनी प्रक्रिया की, यहाँ पर भूमिका शुरू होती होनी चाहिए न्यायपालिका की, तो इसके आगे वो क्या करते? और जहां तक बात ये कर रही थी चिराग पासवान जी ने इनकी आवाज को दबाया, तो क्या ये इस बात से इनकार करेंगे कि चिराग पासवान जी ने ही खुद इनको कॉल करके वहां पर बातचीत के लिए बुलाया था, और आज ये कह रही है कि उन्होंने गाली गलौज की और पता नहीं क्या बोला, तो कल तक तो ये बोल नहीं रही थी, कल तक तो इन्हें याद नहीं थी ये चीजें, मैं मीडिया के सामने मैं क्यों नहीं आ रही थी, मैं मीडिया के सामने क्योंकि मैं अपनी लड़ाई को एक लीगल तरीके से लड़ना चाह रही थी, मैं एक लीगल तरीके से, उन्होंने मुझे मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे घसीट दिया, आप क्या उन्होंने क्या उन्होंने मेरे साथ क्या चीजें की है मीडिया पे, आप किसी महिला को मीडिया पे आप नाम लेके एक मीडिया, अगर एक मीडिया में न्यूज भी चलती है वो भी पूछते हैं कि क्या आपका नाम पब्लिश कर दिया जाए, क्या आपका फेस पब्लिश कर, आप तो मेरा बकायदा नाम पब्लिश कर रहे हो भाई, आप तो बकायदा नाम, और वो भी बाद में आप क्या बात बोलो कि इंटेंशन मेरा ऐसा नहीं था, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई, अब आपका इंटेंशन कुछ भी रहा हो। सुरभि ठाकुर, सुरभि ठाकुर, सुरभि ठाकुर, एक बात समझाइए मुझे, आप एक महिला है, आप एक महिला है, महिला है, महिला है आप, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि कोई महिला गलत तरीके से किसी पर आरोप लगाए, ठीक है, इस पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन एक बात समझा दीजिए, उस चिट्ठी में स्वाति के नाम का जिक्र किस हक से चिराग ने किया, किस हक से किया? मैडम सुनाई दे रहा है या नहीं मेरी बात? किस हक से किया? उस चिट्ठी में जिक्र क्यों किया? इनके नाम को पब्लिश क्यों किया? और आप मीडिया ट्रायल की बात करती हैं, चिराग ने क्या किया, नाम क्यों उछाला एक महिला का? उस नाम को अनमार किया गया तुरंत, जैसे ही उनको लगा कि शायद चुके पत्र पुराना था, तो उन्होंने, और वो पब्लिकली, वो ऐसे नेता जो अपनी गलती को भी पब्लिकली रख रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, बावजूद इसके हम लोग स्वाति जी का पक्ष समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके इनके पक्ष भी उतनी ही मजबूत है जितनी की प्रिंस राज के आरोप। डॉक्टर श्वेता आर्या, डॉक्टर श्वेता आर्या, स्वाति आप अब भी जेडीयू के साथ हैं, डॉक्टर श्वेता आर्या, डॉक्टर श्वेता आर्या है, डॉक्टर श्वेता, ये नीतीश कुमार की सरकार वाला प्रदेश है, यहाँ महिलाओं की बात होती है, एक खुद मेरे साथ सारिका जी जुड़ी हुई हैं, बिहार का चुनाव मैंने बहुत नजदीक से कवर किया, सारिका एक पार्टी परिवर्तन जब हुआ तो ये बोला गया कि महिलाओं की रक्षा, महिलाओं के हक की बात शायद आरजेडी उतने अधिकार से नहीं कर पाती थी, तब जेडीयू आई, अब ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा एलजेपी को तोड़ना, जेडीयू की सरकार में होना और स्वाति का सामने आना, क्या ये सब कुछ राजनीतिक है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं
कि जेडीयू को किसी भी को तोड़ के सरकार को जोड़ने के लिए किसी नेता को ये राजनीति करने की जेडीयू को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का काम ही न्याय देना और विकास करना है, और हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि लोग खुद उससे जुड़ना चाहते हैं, हमें इतनी गंदी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एलजेपी में जब ये कांड हो रहा था, यौन शोषण हो रहा था, उस समय वहां की नेत्रियां, वहां के नेता कहां थे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी नेत्री से पूछे कि तुम्हारी क्या घटना घटी तुम्हारे साथ, तुम्हारा क्या दुख है, तुम्हारा क्या परेशानियां हैं? क्या वो एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करके इसको? बरखा त्रेहन जुड़ी हुई मेरे साथ, बरखा त्रेहन जुड़ी हुई मेरे साथ, प्लीज स्क्रीन पे लाइएगा। बरखा जी, प्रिंस को पार्टी बनानी है, प्रिंस को पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं है कि उनकी पार्टी से एक महिला जो छोड़कर जा चुकी है सिर्फ इस बिहाफ पे कि उनके हक की बात नहीं सुनी गई, उनका यौन शोषण हुआ, उनको सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत ध्यान से सुन पा रही हूँ आपको। जी, मेरा ऐसा कहना है कि स्वाति जी एक बहुत गंभीर मसला लेके आई है और वो एक महिला है, उनके साथ यौन शोषण हुआ है ऐसा वो कह रही हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई या वो कोर्ट क्यों नहीं गई। ये मीडिया पे बैठना और वहां पे नाम बताना कि इसने वो किया है, इसने ये नहीं किया, बरखा जी, स्वाति जी किसी मीडिया हाउस के पास नहीं आई, पहली बात सुनिए मेरी बात। क्या स्वाति जी किसी मीडिया हाउस के पास सामने से नहीं आई, ये बात सुन लीजिए। स्वाति जी का नाम उस चिट्ठी में चिराग पासवान ने लिखा और इसीलिए मीडिया ने स्वाति जी से संपर्क किया कि क्या ये सच है। अगर चिराग पासवान इस बात को नहीं लिखते तो क्या स्वाति का नाम पब्लिक होता? किसको कौन सी स्टोरी चलानी है, इसको बात, इस बात को रहने दीजिए। अरे मैडम, थोड़ी मत समझाइए आप मुझे। बरखा जी, महिला है, महिला की इज्जत करना सीखिए, महिला है, महिला की इज्जत करना सीखिए। कोई महिला ये नहीं करेगी कि मीडिया में आकर कहेगी मेरा यौन शोषण हुआ है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं जो कह रही हूँ डंके की चोट पे कह रही हूँ कि डंके की चोट पर आप ये कह रही हैं कि स्वाति यहाँ आई है, स्वाति यहाँ आई है, मीडिया में कह रहे हैं कि भैया आज एलजेपी टूट रही है, तो ये भी सुन लीजिए कि मेरे नाम को क्यों घसीटा गया, मेरे नाम को सोशल मीडिया पे क्यों घसीटा गया, मैं मेरे नाम को सोशल मीडिया पे क्यों घसीटा गया। मैं आज तक मैं कभी मीडिया में आके बोली मेरे साथ ये घटना घटी, आज तक मैं कभी मीडिया में आके बोली नहीं, बोली मेरे नाम को पब्लिकली एक इश्यू बना के घसीटा गया, ब्लैकमेल कर रही हूँ, ये कर रही। आप एक लीगल एक्शन लीजिए, जैसा कि मैं एक लीगल एक्शन ले रही हूँ, आप लीगल एक्शन लीजिए। किसी को राइट्स नहीं है कि किसी महिला का नाम आप इस तरीके से सोशल साइट पे, आप सोशल नेटवर्क पे, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखे, किसी को राइट्स नहीं है। FIR लिखे सब, तो बाप दादा पता नहीं कौन कौन बैठे तो FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है। आरोप जो लगा रही हूँ उसे कोर्ट में सिद्ध करना है मैडम, आरोप बिल्कुल सही लगा रही हूँ, तभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है स्वाति की, वो क्या बता? बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। आज अगर आप मेरी जगह होती शायद तो आपको पता था प्रिंस राज है क्या, क्या है बोल रहे हैं कि प्रिंस कुछ बता नहीं रहे। अरे प्रिंस को बताने लायक छोड़ा कहाँ है, चिराग कुछ बता नहीं रहे, अरे उन्हें बताने लायक छोड़ा कहाँ है, तो मुझे क्यों घसीटा गया, मुझे क्यों घसीटा गया? परिवार में मरो कटो जलो बरो, मुझे मतलब नहीं, मेरा नाम लेके क्यों मुझे घसीटा गया? मैं जब, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं, मैं अपना एक लीगल जो भी एक्शन है मैं लड़ रही थी, मुझे क्यों घसीटा गया, क्यों ले लिया गया मेरा सोशल प्लेटफॉर्म पे ना? मुझे मीडिया कॉन्टेक्ट कर रही है कि आप क्या, आपका नाम लेगा, आप एक ब्लैकमेलर है, फ्रॉड है, तो मैं अपनी बातों को तो रखूंगी। आप अपनी बातों को बरखा त्रेहन, तमीज से बात करना सीखिए। बरखा त्रेहन यहाँ पे बैठ के, बरखा जी जो बोल रही है वो सोच समझ के बोलिएगा, जो बोल रही है सोच समझ के बोलिएगा। एक महिला चीख चीख कर कह रही है कि मेरा नाम क्यों घसीटा गया। आपके पॉलिटिकल ड्रामे के लिए आपने ये तक नहीं सोचा कि एक महिला का नाम आप पब्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप सामने नहीं आ सकते। कहां है प्रिंस? पटना रवाना हो गए, पार्टी को बचाना है, अध्यक्ष बनना है, वहां पॉलिटिक्स
अपने पार्टी को क्या चलाओगे जब आप एक अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के हक की बात नहीं रख सकते। राजनीतिकरण बंद करिए पूरे मुद्दे का। होना नहीं है, स्पष्ट कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, रेप एक संगीन मामला है, इसका राजनीतिकरण बंद करिए। राजनीतिकरण तो आप लोग कर रहे हो, राजनीतिकरण तो आप लोग कर रहे हो, परिवार में मुझे घसीट रहे हो, क्यों घसीट रहे हो, क्यों घसीट रहे हो, किसका नाम, मेरा नाम ऐसे करने का क्या मतलब, किसको राइट है, किसको राइट है, चिराग को राइट है, प्रिंस को राइट है, पारस किसको राइट है, किसको राइट है, किसको राइट्स दिया गया है, वो जज है, कोई जज है, एक कोर्ट में भी केस चलता है, किसी महिला का नाम नहीं इस तरीके से पब्लिकली नहीं बोला जाता है, एक मीडिया में आते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं आपका नाम पब्लिश करना है या नहीं, आपकी फोटो दिखानी है या नहीं, मीडिया वाले भी पूछते हैं, ये तो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम पब्लिकली किया गया इशू। महिला के अधिकारों के बारे में तो त्रेहन जी आप पढ़ती होंगी, बरखा त्रेहन जी, महिलाओं के अधिकारों के बारे में पढ़ती होंगी। ममता काले, ममता काले 30 सेकंड्स, मैं मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन मैं चाहती नहीं हूं कि अगर किसी ने गलत किया है तो वो बचे, अगर इस वक्त जो सच है वो सामने आता है तो अपराधियों को जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़े, और इसमें मुझे लगता है कि आप भी सबसे आगे खड़ी होंगी। ममता काले जी, धन्यवाद माधुरी जी। सबसे पहले मैं स्वाति को बोलूंगी, स्वाति शांत रहिए, आप शांत रहिए और ऐसे परेशान मत होइए। मुझे मालूम है कि सोशल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना और अपने बारे में इस प्रकार की बातें करना किसी भी महिला के लिए आसान बात नहीं होती है, और जो आपका मेन और मुख्य मुद्दा है मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर बरखा जी बैठी हैं, समझ नहीं पाई हैं। बार बार आप यही बोल रही हैं कि मेरा नाम क्यों लिया, मेरा नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों लिखा, एक लीगल बैटल चल रही थी, कौन सही है कौन गलत है, किसने किस पे आरोप लगाया, किसने किस पे आक्षेप लगाया, वो सारी चीजें मैटर सब जूडिस है, FIR है, वो होना चाहिए। दिस आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि यस राजनीति है, राजनीति में कमोडिटी ना समझा जाए, और मतलब इंटरनल फाइट थी, इन फाइट थी, उसमें स्वाति का नाम नहीं लिखा जाना चाहिए था। मैं LJP को नहीं समझती, मैं किसी को वहां पर नहीं जानती हूँ, मैं स्वाति को भी पहली बार देख रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये मानती हूँ कि देखिए राजनीति के अंदर महिलाओं के साथ बहुत बार बहुत उल्टी सीधी चीजें होती हैं। एक तो बात मैं ये बोलूंगी कि स्ट्रांग रहना सीखना है, किसी को ये हक नहीं देना है कि वो आपका इस्तेमाल कर सके। बरखा प्लीज लेट मी कंप्लीट, बरखा प्लीज लेट मी कंप्लीट नाउ, यू हैड योर से बरखा, यू हैव स्पोकन, बरखा यू हैव स्पोकन नाउ, लेट मी कंप्लीट प्लीज। व्हाट आई एम सेइंग इज कि नाम नहीं आना चाहिए था सोशल प्लेटफॉर्म पर, सही कौन है गलत कौन है वो बात की लड़ाई है, मैं उस पर कहां जा रही हूं अभी, पर मैं ये कह रही हूं कि नाम नहीं आना चाहिए था। उस मामले में स्वाति सही है कि नहीं नाम आना चाहिए था, क्योंकि मतलब नहीं बनता है ना, मतलब नहीं बनता है इस चीज का, दैट आई कंप्लीटली अग्री विद हर, बिल्कुल। और ये एक चक्रव्यूह की तरह है, अभी एक चक्रव्यूह की तरह फंस गए हैं, दरअसल अपनी पार्टी बचाने के लिए वहां पटना रवाना हो गए प्रिंस, लेकिन जवाब नहीं है कि आप पर इतने गंभीर इतने संगीन कोई आरोप लगा रहा है, आपके खुद भाई और पूर्व अध्यक्ष आपकी पार्टी के, जिन्होंने एक चिट्ठी में इनका नाम पब्लिश कर दिया, किस अधिकार के साथ, इसका जवाब नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रही, तमाम मेहमान बने हुए, और मैं स्वाति से फिर कह के जा रही हूं कि हमें कमजोर नहीं होना है किसी भी हाल में। छोटा सा ब्रेक। पिछले 4-5 दिन से बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और दिल्ली तक लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, सियासी लड़ाई चल रही थी। उस बीच में एक नाम ऐसे उछाला गया कि हर किसी की नजर वहां चली गई, स्वाति मेरे साथ इस वक्त है। स्वाति का सीधे तौर पर आरोप है कि मेरा नाम पब्लिश किया गया, प्रिंस जो उस पार्टी में एक बड़ा नाम रखते हैं खुद कार्यकारी में है, उन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया और चिराग पासवान के संज्ञान में यह सब कुछ था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। स्वाति मेरे साथ हैं, प्रिंस की समर्थक बरखा त्रेहन जी मेरे साथ हैं, इस वक्त JDU से प्रवक्ता मेरे साथ हैं और RJD से भी हैं, LJP वाले जो हमारे प्रवक्ता आपके बैठे थे वो यहां से चले गए हैं क्योंकि उनके पास शायद जवाब ना हो। लेकिन स्वाति मुझे आप ये बताइए, 15 जनवरी का
की तारीख आपने बताई कि उस दिन मेरी प्रिंस से लास्ट मुलाकात हुई। प्रिंस से भी और चिराग बेस से भी मेरी आखिरी मुलाकात 15 जनवरी को ही हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूं, जैसे कि आप एक बार रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आपकी स्वाति जी, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका यही था कि आप कुछ मत करिए, मैं आपकी मदद, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप अगर मुझे भैया बोल रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। उनका से मुझे ये आश्वासन दिया गया। उस दौरान प्रिंस ने मुझे उनके सामने गाली भी की, बहुत मतलब बहुत अपशब्द वगैरह चीजें भी बोली गई। उसके बाद जब उनका आश्वासन दिया गया हाथ जोड़ के, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप एक बड़े हैं, आप अगर एक बोल रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आपके द्वारा हो सकता है मुझे कुछ मदद मिले। तो 15 जनवरी को आखिरी बार, उसके बाद फिर मैंने चिराबे को मैंने कॉन्टेक्ट भी किया, ऑफिस में मैंने कई बार फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं थक हार के 3 फरवरी को मैंने पार्टी चेंज कर ली, जेडीयू की मैंने पार्टी चेंज कर ली। स्वाति बार बार बरखा कह रही कि आप लीगल क्यों नहीं लड़ रही थी, आप पुलिस के पास क्यों नहीं, ऐसा हुआ कि आप FIR दर्ज कराने नहीं गई? मैम उस दौरान तक 15 फरवरी जब मैंने पार्टी 3 फरवरी को मैंने पार्टी चेंज की, पार्टी चेंज करने के बाद अगर मैं कुछ सोचती भी या कुछ करती, 10 फरवरी को मेरे खिलाफ प्रिंस राज खुद केस कर देते एक्सटॉर्शन हनी ट्रैप का, जो कि उसके बाद 10 फरवरी को वो मेरे खिलाफ केस करते हैं, 12 फरवरी को पुलिस वाले मुझे लेकर आते हैं। चिराग भैया कहने से कुछ नहीं होगा। ओ मैडम जी सुनिए मेरी बात, आप अगर एक महिला, आप एक महिला होने के नाते अगर आप इज्जत से बात कर सकती है तो करिए, अदरवाइज आप जा सकती है। अगर आप किसी महिला की इज्जत का अगर आपको ख्याल नहीं है तो मत करिए ख्याल, आप मत करिए ख्याल। अगर एक मैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके अगर मैं अपने अपने दर्द को मैं बयां कर रही हूँ तो ये मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि मेरा नाम को उछाला गया, मेरे नाम को उछाला गया, मेरे नाम को क्यों उछाला गया? मैं तो लीगल तरीके से ऑलरेडी लड़ रही थी। पहले आप बोले कि तमीज सीखिए कि आप बोल क्या रही है, आप एक महिला जो ऑलरेडी पीड़ित है, आप उसको इस तरीके से आप बात कर, पहले आप खुद सोचिए बोल क्या रही है। बरखा त्रेहान शांति से सुनिएगा, वो चिराग भैया कहे, वो जो उनको समझती हो कहें, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? आप यहाँ बहुत बहुत संजीदा मसला है, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, बहुत संजीदा मसला है। वो महिला थर थर कांप रही है, मेरे साथ बैठी इसने, मैं महसूस कर सकती हूँ वो थर थर कांप रही है। यहाँ अगर एक महिला पूरे दिन से चीख चीख के कह रही है कि मेरे हक की बात नहीं समझी गई, और आप यहाँ बैठकर अपने अपने पार्टी के लोगों के हक की बात कर रही है, जब ये सामने आके कह रही है तो प्रिंस कहाँ है? जवाब देना, अगर गलत नहीं है तो इनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते? पूछ रही हूं ना मैं कि FIR आप गई थी या नहीं, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही इनकी, बताइए। अगर 10 फरवरी को उसने 3 फरवरी को मैंने पार्टी चेंज की, 10 फरवरी को मेरे खिलाफ झूठा केस किया, 12 फरवरी को मुझे 20 से 25 पुलिस वाले, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, उसको भी इतने पुलिस वाले उठाने के लिए नहीं लेकर आते, मुझे भी इतने पुलिस वाले उठा के लेकर गए, उसमें से 3 लेडीज पुलिस से मुझे लेकर गए, सुबह से शाम तक बैठा के रखा। सौरभ पांडे वहां पे आए और एक प्रिंस को अपने आपका जीजा बता रहा था, वो वहां पे आए, मेरे से अजीब अजीब तरीके की बातें, आखिरी में मुझसे यही कि आप अपने पर्सनल मैटर को लेकर कभी भी आप सोशल मीडिया पे आप नहीं बोलेंगे, आप मीडिया में आके नहीं बोलेंगे, मुझे ये चीजें बोली गई। अगर मैं क्रिमिनल थी अभी भी चीख चीख के बोली तो मुझे जेल के अंदर क्यों नहीं बंद किया गया, क्यों छोड़ दिया गया मुझे 12 फरवरी को, क्यों छोड़ दिया गया? अगर मैं क्रिमिनल थी तो छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे क्यों छोड़ दिया गया? और चिराग पासवान कहते 29 मार्च को जो लेटर उन्होंने 29 मार्च को पारस जी को जो लेटर दिया उसमें वो कहते कि चाचा जी मैंने आपसे इन सारे इस मसले को लेकर मैंने आपसे जिक्र किया, फिर मैंने प्रिंस को सलाह दी। अरे भैया तुमने अगर 29 तारीख को अगर आपने इस मसले पे आपने डिस्कशन किया तो एक दो दिन का टाइम भी चाहिए, फिर एक मतलब इसका मतलब प्रिंस अप्रैल में जाके FIR करते, इसका मतलब FIR अप्रैल में जाके, FIR तो मेरे खिलाफ पहले हो रखी है, अगले उसके मतलब आप सीधे तौर पे समझिए ममता काले, पहले आपने गलत कर दिया, फिर उस गलत को दबाने के लिए आपने उस पर फिर केस ठोक दिया, और वो महिला कह रही है कि मेरी तरफ से FIR दर्ज कर लीजिए, कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा, आपने उसको उल्टा फंसा दिया। उसके बावजूद भी जब वो चीख चीख के कह रही है कि मैं गलत नहीं हूं, मेरा नाम क्यों उछाल रहे हो, तो कहां गलत है ये? लीगल तरीके से जो चीज अगर लीगल तरीके से पुलिस को लेना एक्शन, हाई कोर्ट को लेना, सुप्रीम कोर्ट को जो भी लेना, लीगल तरीके से अगर चीजें मेरी चल रही हैं, तो मेरा नेशनल प्लेटफॉर्म पर नाम लाने का क्या मतलब है? एक परिवार में मुझे क्यों घसीटा गया? मैं उनकी बहू, उन्होंने मुझसे शादी कर ली, मैं उनके घर के बहू नहीं हूं ना भी बहू, तो मेरे नाम को क्यों घसीटा गया? मैं कोई बहू नहीं उनके घर की, जो मेरे नाम को इस तरीके से पब्लिकली घसीटेंगे। बरखा त्रेहन जवाब दो,
आप NCW, DCW, पुलिस स्टेशन सब लोग महिलाओं के लिए यहाँ एक आवाज पे खड़े हैं। कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। मेरा लेटर लोकसभा स्पीकर को भी गया हुआ है, सभी को गया हुआ, सिर्फ मेरी आवाज को, सिर्फ मेरी आवाज को दबाई गई, मेरी आवाज को कोर्ट का ही दरवाजा। आप इस चीज को मत बोलिएगा कि आप लोग गलत हो, मेरा नाम सोशल मीडिया पे डाला गया, आप लोग ये मत बोलिएगा कि आप लोग गलत हो कि किसी महिला के नाम को डाला गया, आप ये बात मत एक्सेप्ट करिएगा। सुनिए रे बरखा जी, सुनिए, वो लगातार कह रही हैं कि मैं एक लीगल लड़ाई लड़ रही थी, मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए, वो उसके लिए नहीं चीख चीख कर कह रही थी खुद आकर कि मेरे साथ गलत हो गया, हाय मैं पीड़ित हूं, ये नहीं कहा इसने। इन्होंने ये कहा कि जब मैं लीगल लड़ाई लड़ रही थी तो फिर आपकी तरफ से मेरा नाम पब्लिश क्यों किया गया, सियासी लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को देखने, अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए चिराग पासवान ने इनका नाम लेटर में इस्तेमाल क्यों किया। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि राजनीतिकरण जो भी इस मुद्दे का कर रहा है वो बेहद गलत है, क्योंकि ये इशू बहुत सेंसिटिव है। तो मैडम ये आप अपने, ये आप अपने प्रिंस जो आपके आप समर्थक हैं उनकी, आप अपने पार्टी के लोगों को कह पाएंगे? कुछ नहीं है कि मैं यहाँ किसी की भी समर्थक हूँ, मैं तो जस्टिस की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात यह है की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है इसकी बात कर रही है आप, किसी नहीं अच्छी बात यह है, लेकिन आप उस चीज पे कहती है, आपका उस चीज पे कोई रिएक्शन नहीं है। मैं अपनी लीगल लड़ाई, जो मेरी लीगल लड़ाई है, वो उस लीगल लड़ाई को लड़ रही थी, लेकिन मेरा एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्लैकमेलर के नाम से क्यों मुझे हाईलाइट किया गया, क्यों हाईलाइट किया गया? अगर ऐसा कुछ था तो चिराग पासवान आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो क्यों नहीं दिया जवाब, कि अगर क्यों नहीं दिया जवाब, जवाब देना चाहिए था उनका, था दोनों के पक्ष स्ट्रॉन्ग थे, अगर पक्ष स्ट्रॉन्ग थे तो आपको नाम घसीटने का क्या मतलब। मैं अपनी एक लीगल लड़ाई लड़ रही थी ना, अपने लीगल लड़ाई लड़ रही थी, क्यों मुझे घसीटा गया है, क्यों घसीटा गया? उसका उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है। डॉक्टर तारा श्वेता, आप जेडीयू से हैं, स्वाति इस वक्त जेडीयू की मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ इस वक्त जो हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रही हो, एक महिला होने के नाते आप क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं स्वाति कि यू प्लीज काम डाउन, आपके साथ जो चीजें हुई हैं, आपको और भी ज्यादा ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है, मेंटली आपको और भी ज्यादा ड्रिल करने की कोशिश की जा रही है, प्लीज काम डाउन, बिकॉज आप सही हो, और अगर आप सही हो तो आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए इन लोगों को इतनी जवाब देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो यू आर ट्रू, और तभी आप नेशनल टीवी पे आई हो। जहां तक बात है कि आपके साथ किस तरह से न्याय हम करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि आप आगे आए और आपकी FIR दर्ज कराएं, इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, आपकी FIR दर्ज होगी और लीगल तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ें, और सबके सामने ये एक तमाचा होगा कि आप आज की नारी हैं और आप सच्ची हैं, और अगर वो उन्होंने गलत किया है तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन बाबू किसी भी कि कोई भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और कोई भी निर्दोष के साथ गलत नहीं होने देंगे। सारिका जी, RJD से हैं, महिलाओं के अधिकार की बात आप करती आई हैं, तेजस्वी खुद महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आपकी पार्टी के पास क्या वर्जन रहेगा अगर आपके प्रदेश में कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो? जी धन्यवाद माधुरी मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊं माधुरी, मैं सुबह 10 बजे से लेकर अभी लगभग 8 घंटे हो गए और अभी तक पीड़िता की बात को सुनते हुए कहीं एक FIR दर्ज नहीं हो पाया, ये बहुत दुखद है। वो बार बार चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है। मैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो दम भरते हैं महिला सशक्तिकरण की बात, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उस डबल इंजन की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से उनसे मैं ये कह रही हूँ कि आप पीड़िता की बात सुने, और जिस तरीके से सुशांत केस के मामले में बिहार में FIR दर्ज हुआ था, इस पीड़िता की भी अभी अविलंब FIR दर्ज हो और बिहार पुलिस जो है तुरंत ही प्रिंस राज से इन्वेस्टिगेट करे और उनको कल की सुबह होने से पहले गिरफ्तार किया जाए। ऐसी किसी भी महिला, ऐसी किसी भी बेटी के साथ अन्याय हम बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता जी, मुझे लगता है ये लड़ाई सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई उस हर सोच के खिलाफ होनी चाहिए जो अपनी हैसियत को ऐसे रखते हैं कि सामने वाले को कुछ समझते नहीं,
जो समझते हैं कि हम सियासी हैं, हम कुछ भी किसी के भी अधिकार को कुचल सकते हैं। ये सोच उस हर उस सोच से लड़ाई है, और मुझे लगता है सिर्फ बिहार नहीं दिल्ली तक की लड़ाई होनी चाहिए। ममता जी और आप जैसे लोगों की शायद स्वाति को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, स्वाति को चिंता करने की कोई बात नहीं है, और स्वाति मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपका नाम सोशल मीडिया में किसी ट्विटर पे कहीं पर भी नहीं आना चाहिए था। अभी मैंने चिराग जी का ट्विटर हैंडल चेक किया, अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अब उसमें से नाम हटा दिया है, जिसका मतलब है कि उनको रियलाइज कहीं ना कहीं हुआ कि गलती हुई है, हट गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम नहीं आना चाहिए था। स्वाति, आई एम कम्प्लीटली 100% आई एम विद यू ऑन दिस। अब आश्चर्य की बात यह है कि जिन पर यौन शोषण का आरोप है वो एक सांसद हैं, है ना, प्रिंस पासवान सांसद हैं और शायद पशुपतिनाथ जी के पुत्र हैं, तो दोनों बड़े बड़े जो है ताकतवर नेता हैं वहां के, तो ताकतवर नेता हैं, इसलिए एक लड़की की FIR ना हो ये गलत है। दोनों पिता, अगर पिता को पता था कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी गलती करी थी, तो उन पिता को अपना सारी राजनीति भूल करके लड़की और बच्ची के साथ खड़े होकर के उसकी मदद करनी चाहिए थी, चाहे वो उनकी पार्टी की थी, चाहे पार्टी की बाहर की थी, चाहे कहीं की भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रिंस पासवान है, प्रिंस पासवान जिनका ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंटेरियन है ये, और इनके ऊपर अगर इतना बड़ा आरोप है तो भाई आप FIR करवाने से मत डरिए, लीगल बैटल को लड़िए, लीगली इस चीज को लड़िए, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो ठीक है ना, आप साफ सिद्ध हो जाओगे। लेकिन अगर स्वाति की बातों में दम है तो फिर स्वाति को हक है, अधिकार है FIR करवाने का। भाई हमारे देश में हर एक व्यक्ति को FIR करवाने का अधिकार है, ये ऐसा क्यों हो जाता है कि अगर किसी को किसी भी चीज की परेशानी है तो FIR ना हो। और ये मेरी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से भारतवर्ष के ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सिर्फ उन लोगों की FIR हो जिनकी कहीं अप्रोच हो, पहुंच हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पशुपतिनाथ जी और प्रिंस ममता जी, मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्वाति जिस तरीके से अपनी बात को रख रही है और जो कुछ उन्होंने कहा है उसको पुलिस तक पहुंचाने में जी हिंदुस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हम ये नहीं चाहते कि एक महिला का मीडिया ट्रायल हो, एक महिला की बातों को सिर्फ छीछा लेदर करके उछाला जाए, लेकिन मीडिया के सामने आके कोई कुछ बोल पाए, बच्ची अपने बारे में ऐसे बोले, बिल्कुल ये आसान नहीं है। इसीलिए मैं बरखा त्रेहन जी से कह रही हूँ कि मेरी बात से आप कन्विंस हो गई हैं तो बहुत अच्छा, कि एक महिला चीख चीख के 8 घंटे तक टीवी पर बैठकर कैमरा के सामने नहीं कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, नहीं कह रही है, नहीं कह सकती अगर वो गलत है तो, वो सच है, वो सही है, इसलिए कह रही है। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं जब यहाँ खड़ी हूँ ये थर थर कांपती है, ये थर थर कांप रही है, सामने कोई आके बोल दे तो वो सच है, क्योंकि गीता को हाथ में रख करके भी लोग झूठ बोलते हैं तो टीवी के सामने बैठ कर क्या बोलोगे आप। एक महिला है, पूरा पैनल महिलाओं का बैठा है, थोड़ा सा आप सोचिए। मैं बिल्कुल भी इसके अधिकार और हक में नहीं हूँ कि एक व्यक्ति पर कोई गलत आरोप लगा के सिर्फ इसलिए फंसा दे कि वो महिला है। अगर एक महिला है तो आप महिला होने के नाते सिर्फ आप इतनी सी बात सोचिए कि कोई महिला अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अगर अपने आप को बदनाम करेगी, कोई महिला अपने आप को बदनाम करेगी, मेरे खिलाफ जो मुझे मेरा नाम बदनाम होने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दूसरी है, सिर्फ इस वजह से मेरा नाम पब्लिसिटी और मीडिया मुझे बोल रहा है आप एक ब्लैक मेलर हो, आप एक दो अलग अलग मैटर है, ये दो अलग अलग मसले हैं, दला ध्यान से समझिएगा। और अगर आप प्रिंस तक अपनी पहुंच रखती हो, क्योंकि हम तो पहुंचा चुके हैं और पुलिस तक भी पहुंचाएंगे, जी हिंदुस्तान की मुहिम है कि स्वाति के सवाल हैं जवाब चिराग को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष लिखते हैं खुद को, वो पार्टी को चलाते हैं, उनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चलती है और आप ही के नेतृत्व में आपका भाई प्रिंस भी चल रहा है, इसीलिए जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दो अलग अलग मसले हैं, इनका यौन शोषण होना और चिराग के संज्ञान में ये बात होना, ये अलग मसला है, और चिराग का इनका नाम सियासी लड़ाई में मोहरा बनाकर पब्लिकली करना ये अलग मसला है। इनकी लड़ाई ये है कि इन्होंने इनके नाम को उछाला किस अधिकार से, इसका जवाब उन तमाम लोगों को देना पड़ेगा जो इस वक्त इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल इतना ही, हम स्वाति के साथ हैं, नमस्कार।